नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ अमर कथा महाभारत का एक और योद्धा लेकर, एक और महान पात्र लेकर। आज हम महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में जानेंगे जिसने कौरवों की ओर से युद्ध किया था और क्यों सात्यकी और भूरिश्रवा के युद्ध के बीच में भगवान कृष्ण और अर्जुन को कूदना पड़ा था और किस प्रकार इस योद्धा का वध किया गया। भूरिश्रवा महाभारत के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक थे। इन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध किया था। कौरव सेना के प्रधान सेनापति पितामह भीष्म ने 11 अक्षौणी सेनाओं के लिए जिन 11 सेनापतियों का चयन किया था, भूरिश्रवा उन सेनापतियों में से एक थे। भूरिश्रवा का वध युद्ध के 14वें दिन सात्यकी द्वारा किया गया था। वास्तव में भूरिश्रवा कुरुवंशी थे और महाभारत युद्ध में उनके साथ उनके पिता और दादा ने भी युद्ध किया था। युद्ध के 5वें दिन सात्यकी के 10 पुत्र भूरिश्रवा से प्रतिशोध लेने को उससे जा भिड़े। उन 10 योद्धाओं ने एक साथ भूरिश्रवा पर आक्रमण कर दिया, किंतु वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उनकी युद्ध कला बहुत उत्कृष्ट थी और इसी कारण उन्होंने न केवल उन सभी के प्रहार रोके, बल्कि केवल आधे प्रहर के युद्ध में ही उन्होंने सात्यकी के सभी 10 पुत्रों का वध भी कर दिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण एवं अंतिम युद्ध जिस दिन अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने जयद्रथ का पीछा कर रहे थे। जब सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध चल रहा था, उस समय अर्जुन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर सारे के सारे हैरान रह गए। आइए विस्तार से जानते हैं इन योद्धाओं के बारे में। भूरिश्रवा के पिता सोमदत्त और सात्यकी के दादा सिनी के बीच एक बार द्वंद युद्ध हुआ था। यह युद्ध भगवान कृष्ण की माता देवकी के स्वयंवर में हुआ था। सिनी इस स्वयंवर में वासुदेव की ओर से लड़े थे और उन्होंने सोमदत्त को पराजित कर दिया था। इसी से सोमदत्त के मन में प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने तपस्या करके ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो उनके इस अपमान का बदला सिनी के वंशजों को हरा कर ले सके। इसी वजह से भूरिश्रवा और सात्यकी की शत्रुता विश्व प्रसिद्ध थी। महाभारत के द्रोण पर्व के 142वें अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है। युद्ध के 14वें दिन जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। 14वें दिन के युद्ध में अर्जुन के जयद्रथ वध हेतु द्रोणाचार्य के व्यूह को नष्ट करते हुए 7 अक्षौणी सेनाओं का वध किया और फिर भी जयद्रथ के पास न पहुंच सके। इनकी सहायता के लिए युधिष्ठिर ने भीम और सात्यकी को भेजा। सात्यकी को देखकर भूरिश्रवा अपनी व्यूह चक्र को छोड़कर सात्यकी को ललकारते हुए आगे आया और बोला, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। अगर तुम मैदान छोड़कर भाग नहीं गए तो जिंदा नहीं बच पाओगे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों एक साथ तुमको मेरे हाथों मरता देखेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर एक दूसरे पर बाण का प्रहार करने लगे। सबसे पहले भूरिश्रवा ने सात्यकी को घायल कर दिया। भूरिश्रवा ने और बाण चलाए तो सात्यकी ने उन तीखे बाणों को अपने आसपास आने से पहले ही अपनी शक्ति से नष्ट कर दिया। दोनों ने एक दूसरे के घोड़े मार दिए। वे युद्ध मैदान में रथहीन होकर खड़क ढाल के साथ युद्ध करने लगे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। लगातार तलवारों के युद्ध में उन्होंने एक दूसरे के खड़क काट डाली। फिर वो दोनों भुजाओं के द्वारा युद्ध करने लगे। वे दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे। कभी भुजाओं से भुजाएं टकरा रही थी तो कभी सर से सर टकरा रहे थे, कभी पैरों को खींचकर कभी पैरों में लपेटकर आपस में युद्ध कर रहे थे। सात्यकी पूरा दिन लड़ते लड़ते थक चुका था, जबकि भूरिश्रवा अभी तरोताजा था। सात्यकी ने इस दिन इस युद्ध से पहले त्रिगर्त, सुदर्शन, मलेच्छ, कर्णपुत्र प्रसन्न, जलसंधि आदि अनेक कौरव योद्धाओं को युद्ध में हराकर वध किया था। थके हुए सात्यकी को भूरिश्रवा से युद्ध करना पड़ा, चुनौती को स्वीकार करना पड़ा। भूरिश्रवा ने सात्यकी को मल्ल युद्ध में हराकर बालों से पकड़कर तलवार से उसका गला काटने ही वाला था और सात्यकी निहत्था था। सात्यकी लगभग बेसुध हो चुका था। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सात्यकी को बचाने के लिए बोला, पार्थ, वह श्रेष्ठ वीर भूरिश्रवा के वश में हो गया है। अर्जुन, वीर सात्यकी तुम्हारा ही शिष्य है और इसकी रक्षा करो। अर्जुन बोले, ये देखो, ये दोनों वीर आपस में भिड़ रहे हैं। अर्जुन ऐसा कह ही रहे थे कि भूरिश्रवा ने सात्यकी को पटक दिया। भूरिश्रवा युद्ध स्थल में सात्यकी को घसीटने लगे। भूरिश्रवा युद्ध स्थान में तलवारों को म्यान से बाहर निकालकर सात्यकी की चुटिया पकड़ ली और उसकी छाती में लात मारी और उसने सात्यकी का सिर धड़ से अलग करने की ठान ली। उन्हें यह ज्ञात था कि महादेव के वरदान के अनुसार अब वो उसका वध कर सकते हैं। तभी अचानक अर्जुन और श्रीकृष्ण वहां आए और देखा कि सात्यकी के प्राण संकट में है। तब श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, वो सात्यकी की सहायता करें। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, ये तो युद्ध नियमों के विरुद्ध है। जब दो योद्धा युद्ध कर रहे हो तो तीसरे को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह अन्याय है। तब श्रीकृष्ण ने कहा, पार्थ, इस युद्ध में हम न्याय अन्याय से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कौरवों ने कब धर्म के बारे में सोचा है? और यह भी तो सोचो कि सात्यकी तुम्हारा मित्र है और शिष्य है और इस नाते उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। अतः सात्यकी
की सहायता करो, और तुम ये क्यों नहीं देखते कि सात्यकी इस समय बेसुध है और किसी भी बेसुध योद्धा के प्राण लेना इस युद्ध के नियमों के विपरीत है। ऐसा सुनकर अर्जुन गांडीव धनुष से एक मायावी तीर भुरुश्रवा की ओर चला देता है। अर्जुन ने अपने बाणों से उसकी भुजा काट दी। जिस भुजा से वो सात्यकी का सिर काटना चाहता था, उसी भुजा को अर्जुन ने उसके हाथ से अलग कर दिया। अब भुरुश्रवा ने यह देखा तो कृष्ण और अर्जुन को धिक्कारते हुए बोला, हे अर्जुन, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। कोई कुरुवंशी कभी ऐसी कायरता कर ही नहीं सकता। तुम मुझसे और सात्यकी में द्वंद्व चल रहा था, तब तुमने मुझसे चेतावनी दिए बिना ही मुझ पर प्रहार किया है। तुम किस प्रकार के योद्धा हो और किस प्रकार अपने को वीर कह सकते हो? इस बात पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, तुमने जो उस वक्त कहा है वो सब व्यर्थ है, क्योंकि सात्यकी मेरा मित्र और शिष्य है। वह मेरे लिए अपने जीवन को दांव पर लगाकर युद्ध कर रहा है। सात्यकी युद्ध में मेरी दाहिनी भुजा के समान है। उसे कष्ट पाते देख मेरा मन कैसे रह सकता है? यदि मैं सात्यकी को अपनी आंखों मरता देखता तो उसका वियोग से मुझे अनर्थकारी पाप लगता। सात्यकी कितने योद्धाओं से युद्ध करते हुए थक चुका है और वह बेसुध अवस्था में है। ऐसी अवस्था में तुम सात्यकी को मारकर खुद को जीता हुआ साबित नहीं कर सकते, और धर्म की बात तो उन्हें करनी चाहिए जो स्वयं धर्म का पालन करते हों। अर्जुन और श्री कृष्ण द्वारा ऐसी बातें सुनकर भुरुश्रवा उसी अधर्म से दुखी और क्रोधित होकर वहीं रणभूमि पर अनशन पर बैठ गया। उसी समय सात्यकी मूर्छा टूटी। अपने सामने भुरुश्रवा को इस प्रकार बैठा देख कर उसे धर्म अधर्म का ज्ञान न रहा। वो नंगी तलवार लेकर समाधि में बैठे भुरुश्रवा की ओर बढ़ा। ये देखकर दोनों की ओर से सेना हाहाकार कर उठी। अर्जुन और श्रीकृष्ण ने उसे ऐसा करने से मना किया, किंतु उसने तत्काल अपनी तलवार से निहत्ते भुरुश्रवा का सर काट दिया। पराक्रमी भुरुश्रवा को मरा देख सिद्ध चरण मनुष्य और देवताओं ने उनका गुणगान किया और बोले, इसमें सात्यकी का कोई अपराध नहीं है। वीर सात्यकी के द्वारा ही भुरुश्रवा मारे जाने थे। विधाता ने युद्ध स्थान में ही सात्यकी को उनकी मृत्यु निश्चित कर दिया था, इसलिए इस पर विचार नहीं करना चाहिए। भुरुश्रवा का सात्यकी द्वारा ऐसा हाल करने का कारण संजय ने धृतराष्ट्र को बताया था कि पूर्वकाल में कंस की बहन थी देवकी, जो भगवान श्रीकृष्ण की माता थी। यादवों ने देवकी का स्वयंवर बड़ी धूमधाम से रचाया था, जिसमें वसुदेव, शनि और अन्य यादव वीरों ने भाग लिया, किंतु देवकी के रूप और गुण की चर्चाएं इतनी थी कि कुरु राजकुमार बालिक पुत्र सोमदत्त भी उस स्वयंवर में भाग लेने आए थे, किंतु यादव नहीं चाहते थे कि यादवों की कन्या कुरुओं से ब्याही जाए। इसी कारण महादेवकी को प्राप्त करने हेतु सभी योद्धा आपस में उलझ पड़े थे। शनि यह जानते थे कि वसुदेव देवकी से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने वसुदेव के लिए देवकी का हरण कर लिया और उसे अपने रथ पर लेकर वसुदेव के साथ स्वयंवर स्थल से लेकर भागे। जब सोमदत्त ने शनि को कन्या का हरण करते हुए देखा तो उसका प्रतिकार करने हेतु उनके पीछे लपके। उन्हें बीच राह में शनि को युद्ध के लिए ललकारा, तब शनि ने देवकी को वासुदेव के साथ भेज दिया और वे सोमदत्त को रोकने के लिए वहीं रुक गए। दोनों में घोर युद्ध प्रारंभ हुआ जो बहुत देर तक चला, किंतु अंततः शनि ने सोमदत्त को पराजित कर दिया। वे सोमदत्त का सर काटना चाहते थे, किंतु अंत समय में उन्हें दया में आकर सोमदत्त को जीवनदान दिया। सोमदत्त लज्जित होकर हस्तिनापुर लौट आए। जब भीष्म ने यह सुना तो उन्होंने यादव पर आक्रमण करने की ठानी, किंतु फिर सोमदत्त के पिता और उनके चाचा बालिक ने उन्हें रोककर यह कहा कि कन्या तो वसुदेव के साथ ब्याही जा चुकी है, इसी कारण उसके लिए इतना व्यापक युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। किंतु तब तक यादवों और कुरुओं के बीच वैमनस्य बढ़ चुका था। सोमदत्त अपने अपमान से इतने दुखी हुए कि उन्होंने शिव की तपस्या आरंभ कर दी। उधर वसुदेव के विवाह के पश्चात शनि ने भी महादेव की तपस्या आरंभ की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए तो शनि ने उनसे एक अजय पुत्र मांगा। तब महादेव ने उसे ऐसे पौत्र का वरदान दिया जो अजय होगा और जिस पर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा रहेगी। उन्हीं की कृपा स्वरूप शनि के घर उनके पुत्र सात्यक को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम सात्यकी रखा गया और वह एक श्रेष्ठ यादव वीर और कृष्ण के परम मित्र हुए। उसी दिन महादेव सोमदत्त की तपस्या से भी प्रसन्न हुए और उन्होंने भी दर्शन दिए। तब सोमदत्त ने वरदान में कहा कि एक ऐसे पुत्र की कामना जो शनि के पुत्र का वध कर सके। तब महादेव बोले कि उन्होंने पहले ही शनि को अजय पुत्र का वरदान दे दिया है, इसी कारण वो उसे ऐसे पुत्र का वरदान नहीं दे सकते। किंतु सोमदत्त की तपस्या विफल न जाए, इसलिए महादेव ने उसे एक ऐसे पुत्र का वरदान दिया जा जो शनि के पुत्र को युद्ध में मूर्छित करेगा और अगर उस समय उसे किसी की सहायता न मिले तो उसका वध कर सकेगा। यही नहीं, वो युद्ध में शनि के उस पुत्र के सभी पुत्रों का वध करेगा। उसी वरदान स्वरूप सोमदत्त के पुत्र के रूप में भुरुश्रवा ने जन्म लिया था। ऐसा वरदान देकर शिव शंभु वहां से अंतर ध्यान हो गए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।